बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैटीज़ किचन में आज मैं मसाला कबाब बना रही हूँ आलू के साथ। ये बेहद नरम और बहुत जायके में अच्छे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके लिए हमें क्या चाहिए। पुदीना आप ले लीजिए फ्रेश, थोड़ी सी डंडियां उसकी। कीमा इसके लिए 1 किलो है। सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक इसके लिए 1-1 टीस्पून है। धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर भी 1-1 टीस्पून है। गरम मसाला पाउडर इसके लिए आप 1 टीस्पून लेंगे। थोड़ा सा ताज़ा पुदीना लेंगे। अंडा 1 अदद है। कुकिंग ऑयल इसके लिए आप 3 टेबल स्पून लेंगे। सूजी, बेसन जो है और ओट्स का पाउडर, ये सब आप 3-3 टेबल स्पून लेंगे। 8 लहसुन के जवे और 2 टेबल स्पून दही। प्याज आप इसके लिए 3 ले लीजिए। जिंजर, गार्लिक और चिली पेस्ट 1 टीस्पून है। टमाटो पेस्ट आप इसके लिए 5 टेबल स्पून लेंगे। कुकिंग ऑयल जितना आप पसंद करते हैं। नमक, सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सब आप 1-1 टीस्पून लेंगे। और गरम मसाला पाउडर आप 1/2 टीस्पून लेंगे। 5 के करीब हम आलू लेंगे। चलिए आप कीमा की मैरिनेशन कर लेते हैं। सब कुछ आप ये ग्राइंडर में डालें और इनको आप बारीक पीस लीजिए। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च है और प्याज है। और अब आप इनको निकाल कर तो इनका पानी निचोड़ लीजिए आप, क्योंकि पानी हमें नहीं चाहिए। जिस प्याले में आपने कीमा डालना है उसमें आप ये डाल दीजिए। और अब दोबारा से अंडा डालें और इसके साथ आप कीमा डाल दीजिए। इसको हम ज़्यादा नहीं पीसेंगे, बस 2-3 देंगे इसको चक्कर, उसके अलावा ज़्यादा नहीं इसको पीसना। और सारे आप मसाले डाल दीजिए इसमें और इन सब, और साथ थोड़ा सा पुदीना डालकर आप इन सबको बस अब मिक्स कर लीजिए। अब इन सबको आप मिला लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। ओट्स का पाउडर डालें और आप सूजी डालें और इसके साथ बेसन डाल दें। ये ओट्स का मैं एक रेसिपी में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, उधर आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया है। इनको अपने हाथ से अच्छी तरह से मिला लीजिए और अब आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको आप 2 घंटे के लिए रख दीजिए। चलिए आप मसाला बनाने के लिए पैन के अंदर ऑयल डालें और इसके साथ ही दोबारा से आप ग्राइंडर में प्याज डालकर आप उसको ऑमलेट जैसा बना लीजिए, जैसे हम बनाते हैं ऑमलेट के लिए प्याज, और इस तरह से होना चाहिए ये। अब आप इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे इस मसाले को, आपने जैसे 2 से 3 मिनट तक सारा ये मसाला अच्छी तरह से बनाना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए। बस हमने प्याज को और मसाले को नरम करना है, थोड़ा सा पकाना नहीं है। और इसमें आप बाकी के मसाले डाल के सारे, तो इसको आप पका के रख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट देने हैं। मसाला डालने के बाद आप इसमें टमाटो पेस्ट डाल दीजिए या टमाटर अपनी पसंद के मुताबिक। मसाला जब पक जाए तो उसे एक तरफ कर दें। आलू छील लीजिए और इनको आपने इस तरह से मोटा मोटा काटना है। दही को आप फेंट लीजिए। दही के साथ हम कबाब बनाएंगे, यानी कि अपने हाथ पे पानी या ऑयल लगाने की बजाय हम दही लगाएंगे, इससे कबाब बहुत नरम रहते हैं। इसी तरह से आप सारे कबाब अपनी पसंद के मुताबिक बना लीजिए। बस आपने दही को हाथ में लगा के फिर कबाब को बनाना है। अब आप एक बेकिंग डिश लेकर सारा मसाला जो हमने बनाया है आप उसको उसके अंदर अच्छी तरह से लगा दीजिए, सारा फैला दें। हम इसके ऊपर जो कबाब बनाए हम वो लगाएंगे। मसाला बनाने के बाद आपने अवन को स्टार्ट कर देना है और सारे कबाब बनाने के दौरान अवन को आपने प्री हीटिंग के लिए छोड़ देना है। मैंने ये 45 मिनट का टाइम लगाया है कन्वेक्शन बेक पर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। जब आपने इनको कबाब की ट्रे को अवन में रखना है तो 30 मिनट के बाद आपने इसका ये फॉइल वाला कवर उतार के उसके बाद आपने इसको मजीद 15 मिनट के लिए बगैर फॉइल के पकाना है। कबाब पक चुके हैं। आप इसी रेसिपी को अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसको डबल कर आप बना सकते हैं।
बहुत खस्ता कबाब बने हैं, जायका भी इनका बहुत अच्छा है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। सारे कबाब और मसाला आप मिला दीजिए, देखें कबाब बिल्कुल नहीं टूटे हैं और ना ही आलू टूटे हैं। अब आप इनको अपनी पसंद के मुताबिक जैसे आपको अच्छा लगता है आप इनको खाएं। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।